अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, सिंपल और इजी शेज़वान चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी होममेड शेज़वान सॉस यूज़ करके। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है मेरे चैनल कुक विद फेम में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसे बनाना शुरू करते हैं। शेज़वान चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के देखिए इस तरह से छोटे पीसेस कर लें, यानी एक बाइट साइज। इसमें डालिए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर अच्छी बाइंडिंग के लिए है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून एग वाइट यानी अंडे की सफेदी। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून शेज़वान सॉस। ये होममेड शेज़वान सॉस है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मेरे चैनल में सर्च करें, या इस वीडियो के आखिर में भी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसे डाल दें। ये कलर के लिए है और टेस्ट भी। आखिर में थोड़ा सा नमक डालें बस। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। चिकन में हम थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल देते हैं, क्योंकि शेज़वान चिकन फ्राइड राइस है, इसमें चिकन के पीसेस थोड़े से रेड ही रहते हैं। हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए जरूरी है, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो रेड फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। चिकन को हम आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम चावल की तैयारी शुरू कर लेते हैं। चावल मैं ले रही हूँ 2 कप, देखिए इस कप से 2 कप, यानी ये कुछ 300 से 350 ग्राम के बीच होंगे। चावल मैंने अच्छे से धो लिए हैं और इन्हें हम भीगने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट या आधा घंटा काफी है। चावल पकाने के लिए एक बड़े से वेजल में 2 या 3 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा तेल। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें भीगने रखे हुए चावल डाल देते हैं। चावल देखिए हमारे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। इन्हें बस हम एक 80-85% तक ही गलाएंगे, वरना फ्राइड राइस में टूट सकते हैं। देखिए इतना काफी है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे फिल्टर कर लें। तेल गरम हो चुका है, चिकन के पीसेस इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। चिकन पीसेस हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही ये फ्राई हो जाएंगे, यानी टेंडर हो जाएंगे। देखिए क्रिस्पी और टेस्टी चिकन फ्राई अब तैयार है। इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत इजी है, बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इस शेज़वान चिकन फ्राइड राइस में हम अंडा भी डालेंगे। अंडा डालने से यानी स्क्रैम्बल एग डालने से और भी टेस्टी हो जाएगा हमारा फ्राइड राइस। 2 अंडे ले लें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें 2 या 3 चुटकी, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें अंडे को फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें फेंटा हुआ अंडा डाल देते हैं। इसे देखिए जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए इस तरह से इसके पीसेस कर लें। ज्यादा छोटे पीसेस नहीं, बस थोड़े से। देखिए स्क्रैम्बल्ड एग हमारा तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, इसे एक प्लेट में निकाल के रेडी रख लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स तो हमारे रेडी हैं। अब इस रेसिपी का जो मेन पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में, एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 या 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। 3 से 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हाई पे ही रखे, यानी यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को हाई पे रखे इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल दें, ये 3 टीस्पून है। हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें लेकिन जलने ना दें। नेक्स्ट इसमें डालिए प्याज, बारीक कटी हुई प्याज 2 मीडियम साइज, इसे भी सॉटे कर लें। बस थोड़ा सा ही करें, प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें डालिए शिमला मिर्च और कैरेट यानी गाजर, इसे भी सॉटे कर लें। मैंने 2 गाजर लिए हैं और 2 शिमला मिर्च, उन्हें इस तरह से पीसेस में काट लें। देखिए हाई फ्लेम पे इन्हें भी सॉटे कर लें। थोड़ा सा नमक डाल दें।
नेक्स्ट इसमें डालिए थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, गार्निशिंग के लिए भी थोड़े से बचा के रख लें। 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस, ये होममेड शेजवान सॉस है, इसे भी डाल देते हैं। शेजवान सॉस का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून सिरका यानी विनेगर, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, सॉरी ये टोमेटो केचप है 2 टीस्पून, और यह है रेड चिली सॉस 2 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई पे ही रहने दें। इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस भी डाल दें, थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल दें। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का कलर आना चाहिए तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आखिर में हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद धीरे से मिक्स कर लें, ज्यादा फोर्स ना डालें वरना चावल टूट सकता है। चावल को मिक्स करने के बाद इसमें स्क्रैम्बल एग डाल देते हैं और फ्राइड चिकन भी। ये डालने के बाद फिर से धीरे से मिक्स करते जाइए, बहुत जेंटली करें। थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देते हैं, अच्छी खुशबू आएगी। इसे डालने के बाद भी थोड़ा सा मिक्स कर लें। ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे रख दें 2 से 3 मिनट के लिए। इसके ऊपर लिड बंद कर दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार शेजवान चिकन फ्राइड राइस अब तैयार है। देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है ये, क्योंकि इसमें चिकन के पीसेस होते हैं वो भी फ्राइड। रेड चिली सॉस भी ऑप्शनल है, लेकिन आप शेजवान सॉस बना के रख लें, होममेड शेजवान सॉस, हेल्दी भी है और ये बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी भी आराम से तैयार हो जाएगी, जो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल कुक विद फैम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया तो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, कॉमेंट करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।